भगवान शिव के 35 रहस्य। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। आदिनाथ शिव, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने कारण उनका एक नाम था आदिश। शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपत शास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया। भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेष नाग है। शिव की अर्धांगनी। शिव की पहली पत्नी सती नहीं, अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई। शिव के 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि कहा गया। इन ऋषियों ने शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिव परम्परा की शुरुआत की। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतश, मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौरशीर्ष मुनि हैं। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, श्रृंगी, भ्रुकुटी, शेर, गोकर्ण, घंटागण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। शिव के द्वारपाल में नंदी, स्कंद, रीति, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल हैं। शिव के पार्षद हैं जय और विजय। उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृगु आदि शिव के पार्षद हैं। सभी धर्मों का केंद्र शिव है। शिव की वेशभूषा यह ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपना प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुश्रिक, यजीदी, साइबिन, सूबी, ब्राह्म और धर्मों में शिव के होने की साफ स्पष्ट रूप से झलक देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों की एक ऐसी परंपरा शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तरणंकर, शरणंकर और मेघंकर। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शंकराचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढीले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। शिव के पैरों के निशान। शिव पर श्रीलंका में रत्नद्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित शिवपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। ये पश्चिम 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोलीपदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। रुद्रपद तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुपैंगडू क्षेत्र में श्री स्वेदारण्येश्वर का मंदिर शिव के पश्चिम है, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान है जहाँ पर शिव के पश्चिम है। तेजपुर, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर के पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पश्चिम है। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान हैं। शिव के अवतार वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्भावतार, ग्रहपति, दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर, सुरेशवर, किरात, सुन्नट, नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वेश्यानाथ, तेजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, साष्टा, अजपाद,
आदि बुद्ध शंभु जन तथा भव। शिव पुत्र कार्तिक का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुनिक नाक है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है। ब्रह्मा विष्णु और सभी देवी देवताओं समेत भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त है। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। शिव के दो मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय और दूसरा है महामृत्युंजय। शिव में के पर्वत और त्योहारों में सोमवार प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व है। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति विशालाक्ष शुक्र महेंद्र प्राचेच मनु भारद्वाज अगस्त्य मुनि गौरीश मुनि नंदी कार्तिकेय भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। दशनामी शाक्त सिद्ध दिगंबर नाथ लिंगायत तमिल शैव कालमुख शैव कश्मीरी शैव विशैव लकुलिश पाशुपत कपालिक कामदमन महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। शिव के नामों में 108 नामों का उल्लेख है, जिसमें महेश नीलकंठ महादेव महाकाल शंकर पशुपतिनाथ गंगाधर नटराज त्रिनेत्र भोलेनाथ आदिदेव आदिनाथ त्र्यंबक त्रिलोकेश जटाशंकर जगदीश प्रलयकर विश्वनाथ विश्वेश्वर आदि हैं। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं भी हैं। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है, पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ओमकारेश्वर वेदनाथ भीमशंकर रामेश्वर नागेश्वर विश्वनाथ त्र्यंबक केदारनाथ ग्रणेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उनके अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। शिव का नाम शंकर के नाम से जोड़ा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर हमेशा तपस्वी रूप में दिखते हैं। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया था। शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को शिव रूप माना गया है। देवों के देव महादेव, देवताओं के देवतियों की उनसे प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता है तो वे सभी देव अधिदेव महादेव के पास आते हैं। दैत्यों यक्षों से देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परस्तों पर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव, दैत्यों दानवों और भूतों के प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी।